अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका फ्रीलांसिंग टीचर मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक माही। लिहाजा आज का ये जो लेक्चर है इसमें मैंने आपको ये समझाना है कि आपने कैनवा अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो लेक्चर वन होगा वो नेक्स्ट वीडियो होगी। ये सिर्फ अकाउंट क्रिएट करने का तरीका है कि हमने कैनवा के ऊपर काम करना स्टार्ट करना है तो कैनवा का अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत शोर है क्योंकि मैं इस टाइम अपनी कंप्यूटर शॉप पे मौजूद हूँ, तो उसके लिए माजरत गुजारा करना होगा। चलिए चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, दो मिनट के अंदर अपनी वीडियो को कंप्लीट करना है हमने। गूगल क्रोम में जाएंगे और जिस मेल पे हमने कैनवा का अकाउंट बनाना है उस मेल को ओपन करेंगे। उसके बाद हमने सिंपल वहाँ पर जा कर लिखना है canva.com। तो ये टाइप करने के बाद हमने इसको इंटर कर देना है गूगल पे। तो इसके बाद ये canva.com की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट सबसे टॉप पे आ रही है, www.canva.com। इसको आप ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर तो ये इस तरह से इसका कुछ इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद आपने इस पर साइन अप करना है। तो साइन अप ये पेड भी है फ्री भी है। तो बेसिक जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमने करनी है वो उसके लिए हमें फ्री वाला जुगाड़ ही लगाना होगा और वो बेहतरीन है। तो हमें सिंपल इस पर साइन अप पे जाना है। साइन अप पे क्लिक करते ही ये हमारे पास ऑप्शन है कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट, कंटिन्यू विद फेसबुक, और ईमेल के थ्रू आप प्रॉपर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बस गूगल के थ्रू कंटिन्यू करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये अपना जो मेल होगा क्रोम के अंदर लॉगिन उसको टारगेट करेगा। तो आपने उस मेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जिसकी सिक्योरिटी सेटिंग ऑन होती है मेल के अंदर, यानी कि टू फैक्टर सिक्योरिटी अगर आपकी इनेबल है तो ये उस तरह से वेरिफिकेशन लेगा, अदरवाइज ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। इस पर क्लिक करते ही मेरा तो डायरेक्ट लॉगिन हो गया है क्योंकि इसमें मेरा जो सिक्योरिटी सेटअप है वो मैंने इनेबल नहीं किया हुआ इस मेल के ऊपर। ये मेरा वर्किंग वाला मेल है, नॉर्मल जो मैं हर काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो इस तरह से अब ये हमारे पास अकाउंट बन चुका है और इस पे अब हम हर तरह की ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। YouTube के थंबनेल बना सकते हैं, Facebook के थंबनेल्स और YouTube बैनर वगैरह हो गया। उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आके इस पे वन बाय वन सीखनी है। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है और टॉप क्लास की है, इसी पे हमने CV लेटर भी तैयार करना है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर वन में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कैनवा को यूज़ करते हुए हम YouTube का थंब नेल कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। इसके बाद फाइवर की तरफ चलेंगे, तो वन बाय वन हर दिन एक नया लेक्चर होगा आप लोगों के लिए। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।